Hi guys, in this video we will discuss the returns to scale. Returns to scale का टॉपिक हमें समझाता है कि अगर एक प्रोड्यूसर अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर दे तो फिर भी उसकी जो प्रोडक्शन है उसका कैसा रिलेशनशिप रहेगा आउटपुट में और उसके रिटर्न टू स्केल में. यानी कि मान लीजिए कि कोई चाय वाला है, लेट्स से कोई टी बनाता है. अब वो अपने चाय बनाने के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, मान लीजिए कि उसमें कोई बदलाव कर दे, चेंजेस कर दे, तो उसको कैसे रिटर्न्स मिलेंगे, उसको कैसे रिटर्न्स आएंगे. ठीक है, इस एग्जांपल को लेकर के आज हम इस चीज़ को समझेंगे. सो रिटर्न टू स्केल की डेफिनेशन है व्हेन प्रोड्यूसर्स चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोडक्शन, द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द फैक्टर इनपुट्स is known as return to scale. तो यहाँ हम proportional relationship समझेंगे output के और factors के बीच में. So पहला है constant return to scale. Constant return to scale तब होता है जो proportional increase करता है in all the inputs, जिसकी वजह से हमें output में भी increase मिलता है और proportion same रहता है. इसमें हम constant return to scale देखते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो चाय वाला है वो जब चाय बनाता था तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? वाटर, मिल्क, टी, टी लीव्स, शुगर एंड गैस स्टोव, ये सारी चीज़ें. तो मान लीजिए कि उसने अपने पैसे बचाने के लिए सोचा कि मैं अब नॉर्मल चाय नहीं बनाऊंगा, मैं अब लेमन टी बनाऊंगा, क्योंकि लेमन टी बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, उसमें मिल्क नहीं लगेगा उतना ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टी लीव्स भी नहीं लगेंगे और ज़्यादा गैस भी नहीं लगेगा, वो जल्दी भी बन जाती है और हेल्दी भी है, ज़्यादातर लोग उसे पसंद करेंगे. तो ये सोच करके उसने चेंजेस किए. तो उसने क्या किया कि जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसमें बदलाव कर दिया. तो अब जब उसने ऐसा किया तो उसके अंदर प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो गया, यानी कि उसका जो आउटपुट है उसमें बढ़ोतरी हो गई और चाय ज़्यादा भी बन गई क्योंकि उसमें मिल्क नहीं डालना पड़ा तो पानी से ही सब कुछ हो गया और ज़्यादा लागत भी नहीं लगी और उसको जो है काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ. तो इसमें मतलब चीज़ें कांस्टेंट रही, उसको कोई इससे नुकसान नहीं हुआ बल्कि उसके कस्टमर बने रहे. सेकेंड सिचुएशन हो सकती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर दे इन ऑल द इनपुट्स, जिससे कि एक इंक्रीज मिलता है आउटपुट को बाय मोर देन द प्रोपोर्शन. मतलब हो सकता है कि उसकी ये चाय इतनी अच्छी बनी है और उसका टेस्ट इतना पसंद आया लोगों को कि लोग और ज़्यादा उसको जो है ख़रीदने लगे और एक की जगह दो कप पीने लगे. लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी है तो चलो यही ले लेते हैं. तो अब क्या हुआ कि उसके कस्टमर इंक्रीज हो गए. तो जब इंक्रीज हो जाता है आउटपुट में और पहले से ज़्यादा होता है वो, तो उसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं. थर्ड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि DRS. इसमें ये होता है कि जो प्रोपोर्शनल इनपुट होता है ना, ऑल द इनपुट्स रिजल्ट, ये एक तरीके का इंक्रीज होता है एक इंक्रीज में इनपुट के, बट इट इज़ दी आउटपुट विच इज़ लेस. तो आउटपुट हमारा लेस देन दी प्रोपोर्शन है, यानी कि इस बार हो सकता है कि उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं गया और उसके बाद जो निकल के चीज़ आई उससे उसको बेनिफिट नहीं हुआ. मान लीजिए कि उसने लेमन टी बनाना चाहा बट वो लेमन टी जो है उतने ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं ला सकी उसके लिए और उसके कस्टमर भी वो नहीं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. होता है ना, कुछ लोगों को अपनी मतलब एक हैबिट होती है. तो ऐसे में क्या हुआ कि उसने जब अपने इनपुट्स को चेंज किया तो उससे हुआ ये कि उसका आउटपुट कमज़ोर हो गया और कम हो गया. तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये पॉसिबल होती हैं. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.